उधर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म किए जाने के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। पप्पू यादव ने कहा कि डोमिसाइल नीति को लागू किए जाने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी राज्य भर में 5 जुलाई को धरना देगी, तो वहीं मौके पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को चुनावी प्रोपेगेंडा भी बता दिया है। किसी चीज मैं इस पक्ष में हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में 90% नौकरी, हर नौकरी में हमें बिहार का अधिकार चाहिए, बिहार के बच्चे चाहिए, बिहार के खून चाहिए। इसमें कोई समझौता हम और हमारी पार्टी नहीं करेगी। हम आप 10% बाहरी को 5% दे दीजिए, बाहरी नहीं कहेंगे, वो भी हिंदुस्तान के लोग, हम अन्य लोगों के तरह हमारा नेचर नहीं है। लेकिन 90% पर कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, और मैं हर परिस्थिति में, मैं विद्यार्थी की बात नहीं करूंगा, विद्यार्थी जी एक एग्रेशन आप जा एक मिनट, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो इन्हीं के मणिपुर के मुख्यमंत्री विरोध कर दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट विरोध कर दिया, पूरा आदिवासी विरोध कर दिया, पूरा साउथ विरोध कर दिया। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू मुसलमान से जोड़ना चाहते हैं, इसमें ना तो मुसलमान का मामला है ना तो आदिवासी का मामला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारे जो जो लोग अपने समाज, अपना क्षेत्र में एक जीने के लिए सामाजिक आधार पर एक व्यवस्था लाया, वो ना तो संविधान में मेरा दखल देता है, ना कानून में, ना भारत के किसी लॉ में। हम पप्पू यादव को जीने का तरीका, यदि कोई जाति, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई जाधव, कोई भी, हम पप्पू यादव कहना है कि हम नहीं मानेंगे कुछ अंधविश्वास को, आडंबर को, कुछ लोग मानते हैं तो क्या हम उससे लाठी ले जाकर, कुछ लोग किसी चीजों को अपने तरीके से, श्राद्ध में पप्पू यादव नहीं मानता है, अब कुछ लोग चार तरह के श्राद्ध मानते हैं, सबसे बड़ा श्राद्ध गाय दान को समझता है और हम श्राद्ध नहीं मानते हैं, तो क्या आप हमको जबरदस्ती श्राद्ध कराइएगा? सर इसमें एक देश एक कानून की बात ही नहीं है, ये कानून के आधार पर है ही नहीं, ये बीजेपी का प्रोपगंडा, जब कुछ नहीं बचा 2024 में इनके लिए, जब राहुल गांधी जी ने अपने जीवन को दांव पर खेल करके मणिपुर जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी से